सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉप 25 क्वेश्चन सेट नंबर 12 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आंसर होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने। सभी क्वेश्चन TCS कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए सेलेक्ट किए गए। जिन क्वेश्चन से डिटेल से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो मैं पूरा टॉपिक आपको ट्रिक से कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट डिवीजन होगा ऑल सब्जेक्ट जीके का, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटान है जी। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गोल्ड पर्वत कहां स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी कहां पर है जी, अमेरिका। सी नहीं, बी। अमेरिका में गोल्ड पर्वत कहां पर स्थित है बच्चों? आपका अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर, स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? ये विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का अध्ययन के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। मैं लगभग आपको टॉप 10 याद कराऊंगा जो एक नंबर आपका पक्का कर देगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर चार का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अरेखनोलॉजी, अरेखनोलॉजी ठीक है जी। अब बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में। सबसे पहले पूछा जाता है आपसे एपिकल्चर, एपिकल्चर किसका अध्ययन होता है बच्चों? मधुमक्खी पालन का। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का, सेरी कल्चर रेशम उद्योग का, वीटी कल्चर अंगूर की खेती का, ओलेरी कल्चर साग व सब्जियों का अध्ययन होता है बच्चों, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। अब याद कैसे करोगे? जैसे आपका अंगूर की खेती का जो अध्ययन होता है क्या कहते हैं बच्चों से? वीटीकल्चर। जो अंगूर खरीदते हैं ना वेट देख के तो खरीदते हैं, आपको कैसे याद रखना है? वीटी, वीटी बोले तो वेट, अंगूर वेट करके खरीदते हैं ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है आपका शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित जो विज्ञान है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं एनाटोमी। एनाटोमी देखो, एनाटोमी कैसे लिखा जाता है? एनाटोमी देखना, एनाटोमी में नाटा है ना, नाटा, नाटा का मतलब शरीर की आंतरिक संरचना। यदि किसी की सही नहीं है वो नाटा हो जाएगा। एनाटॉमी किसका अध्ययन होता है बच्चों? आपका शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान की ये शाखा है ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है आपका सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने का ये जो आपका शाखा है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सेरेमिक्स बोला जाता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, एपिकल्चर मोस्टली रिपीट होता है। एक क्वेश्चन आता है आपका हॉर्टिकल्चर, फल व फूल व साग सब्जी बाग पुष्प उत्पादन संबंधी जो विज्ञान की शाखा है उसका अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? हॉर्टिकल्चर। होलोग्राफी क्या होते हैं? लेजर पुंज की सहायता से 3D चित्र बनाने की विधि होती है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? होलीग्राफी बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक क्वेश्चन आता है न्यूरोलॉजी, कहते नहीं न्यूरोलॉजिस्ट है तो वो जो तंत्रिकाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फाइव, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जेम्स कुक ने। किसने की थी जी? जेम्स कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। कब की गई थी जी? 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेवन, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर आपका सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर रोडन ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका एट, ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? ब्रेक डाउन प्लान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर आपका आठ का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा लॉर्ड बेवल से। पहली बार कुछ स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन को, इसलिए आप इन्हें कवर कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है आपका, सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ये? पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था? रिडिस्कवरी है, डिस्कवरी नहीं जी, द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेघनाथ देसाई। कौन है जी? मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? आप यहां से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, सभी कवर कराऊंगा मैं आपको। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? राज्य का निम्न सदन होता है आपका विधानसभा, उच्च सदन क्या होता है आपका? विधान परिषद। अब बात करते हैं, एक आपका स्टेट की बात आती है,
स्टेट की, एक आपकी आती है सेंटर की। जैसे सेंटर में आपका, सेंटर में सरला से मैं आपको याद कराया हुआ, सरला, सरला क्या होती है, सरलो से याद कर लो, से लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ बच्चों, भी एक दो दिन और लगेगा। सरलो से संसद होती है आर्टिकल नंबर 79 में, रे से राज्यसभा होती है आर्टिकल नंबर 80 में, लो से आपकी लोकसभा होती है आर्टिकल नंबर 81 में। जैसे आपका ये केंद्र में होता है ऐसे आपका राज्य में भी होता है। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल दो पार्ट होते हैं विधानमंडल के। कौन कौन से होते हैं जी आपके, एक विधानसभा होता है, एक होता है आपका विधान परिषद। लेकिन जरूरी नहीं विधान परिषद सभी राज्यों में आपकी हो, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में, पहले 7 थी जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके, अब कितने राज्य है आपके विधान परिषद वाले, अब टोटल 6 राज्य है विधान परिषद वाले। जो उच्च, जैसे आपका विधानसभा, विधानसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। जैसे सेंटर में आपका, सेंटर में क्या होता है, लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है, ऐसी राज्य में विधानसभा को भंग किया जा सकता है। विधानसभा क्या होती है, विधानसभा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विधानसभा एक निम्न सदन है, यह एक स्थायी सदन है जिसका निर्वाचन राज्य की जनता द्वारा वैक्स मत अधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। अब विधानसभा की संरचना मैं आपको बता देता हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विधान परिषद भी विधानसभा भी दोनों के क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या आपके पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। बात करते हैं सबसे पहले विधानसभा, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें किसका चुनाव होता है बच्चों, मुख्यमंत्री का। अधिकतम सीटें कितनी होती है 500, न्यूनतम प्रावधान कितना है 60, लेकिन अपवाद भी है इसमें सिक्किम जैसे राज्यों के लिए, ठीक है जी। विधान परिषद की संरचना, जो विधानसभा की संरचना है किस आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 170 अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में वर्णन है, और विधान परिषद के बारे में वर्णन आर्टिकल नंबर 171 में है। जैसे वहां पर सरला था, संसद था, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा कौन सी में आपकी 80 में है, लोकसभा आपकी 81 में है, ठीक है। ऐसे ही आपका विधानसभा आपकी आर्टिकल नंबर 170 में है, विधान परिषद आपकी आर्टिकल नंबर 171 में वर्णित है। राज्य में जो विधान परिषद है ना, पहले कितने राज्य थे आपके, 7 थे, अब कौन कौन है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर को यदि राज्य की श्रेणी से हटा दिया जाए तो 6 ही आपका फिलहाल वर्तमान में क्या होगा, आंसर होगा। जो राज्य का विधानमंडल है कौन से आर्टिकल के तहत होता है बच्चों, ये आपका आर्टिकल नंबर 168 के तहत आपका विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल की परिभाषित किया गया है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन लोकसभा से लगातार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 79 आर्टिकल याद रखना है संसद के लिए, 80 रखना है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए रखना है आपको कौन सा, 81 याद रखना है। अब बात करते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे वहां पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 है, तो यहाँ पर भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होती है। उधर 25 साल किसकी होती है, केंद्र में, लोकसभा की होती है। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होती है केंद्र सरकार में के अंतर्गत, ऐसे ही राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होती है बच्चों, 30 साल ही आपके यहाँ पर एज होती है। यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अब यहां से लोकसभा अध्यक्ष की बात आई है, लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन क्या बनता है, जो राष्ट्रपति द्वारा है ना दोनों संयुक्त अधिवेशन को आहूत किया जाता है उनकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चों, उनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आहूत, आहूत बोला जाता है बुलाने को, बुलाता कौन है, बुलाते तो आपके राष्ट्रपति जी है, लेकिन आहूत कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसको क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। बुलाने का कार्य है किसका, राष्ट्रपति जी का, और अध्यक्षता करने का दोनों सदन की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा आपका, ये आपके करेंगे लोकसभा अध्यक्ष जी करेंगे, और इनका निर्णायक, इनका मत ही निर्णायक होता है। यदि कोई किसी विचार चल रहा है और वोटिंग बराबर आ जाती है तो जो इनका निर्णायक मत का इस्तेमाल तब किया जाता है, इतना आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीन समितियां होती है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 होते हैं जी। राज्यसभा से कितने होते हैं 7, लोकसभा से कितने होते हैं 15, कुल कितने होते हैं टोटल 22। 30 सदस्य किस समिति में होते हैं, उस समिति का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, किस संविधान, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन के तहत। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें 42वां लगा देते हैं और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है
छह वर्ष था लोकसभा का, पहले तो पांच ही था, फिर पांच से बढ़ाकर छह किया गया और फिर छह से घटाकर फिर दोबारा पांच कर दिया गया। अंतिम आपका संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां था। 42वां टिक मत लगा देना, नहीं अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट 42वां ही लगाते हैं जो कि गलत हो जाता है क्वेश्चन, याद रखना 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है आपकी? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की आपकी? सिक्किम की। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा आपका गोवा, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा आपका सिक्किम। एक आता है जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको ये टॉपिक कवर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है शॉर्ट वीडियो का, एक बार जाके शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लेना, ऑल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है एक बार जाकर देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक किसका है बच्चों? सर्वाधिक आपका बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवा अय्या दुर्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका लास्ट चाइल्ड के आपके लेखक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुलकराज आनंद। अरविंद घोष की भी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, यहां से देखो पांच छह क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको, डायग्राम के साथ बना के दिखाऊंगा इसको मैं, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 19, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? महाद्वीप का तो पता ही होना चाहिए, देश का भी पता होना चाहिए, साथ के साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीप को छूती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका तीन महाद्वीप को छूती है। कितनों को जी? तीन महाद्वीपों को छूती है। अब देश को देखते हैं, देश भूमध्य सागर की जस्ट बराबर बराबर में कौन कौन सी, थोड़ा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड से बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि राइट हैंड में मेरे चोट लगी हुई है, ये ऐसा होता है देखो भूमध्य सागर। ठीक है जी, यहाँ पर आपका कौन सा है बच्चों? ये आपका यहाँ पे इजिप्ट, जिसे क्या बोलते हैं मिस्र, ये आपका यहाँ पर लीबिया है। ठीक है जी, ये आपका लीबिया के बाद यहाँ पर अल्जीरिया है, लिखा सही नहीं जा रहा है, ये आपका अल्जीरिया के बाद है मोरक्को, यहाँ ट्यूनिशिया है आपका, ये आपका भूमध्य सागर है, इधर कौन कौन से देश है? इधर टर्की है, टर्की, और इधर ये कौन सा आपका? सीरिया है। चलो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको कवर करा देता हूँ। भूमध्य सागर ये है ना जी, अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्वी एशिया से घिरा है। ये तीन जो आपके महाद्वीप है कौन कौन से हैं? अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्वी एशिया से घिरा है, तीन याद हुए आपको। टोटल भूमध्य सागर की देखा है ना बच्चों, कितने देशों से लगी हुई है? 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है। ये आपका 21 भी आपका किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। भूमध्य सागर की रेखा कितने देशों से टच होती है आपका बच्चा? 21 देशों की तटरेखा भूमध्य सागर से लगी है। अफ्रीका के पांच देश जो भूमध्य सागर से लगे हैं, अफ्रीका के कितने? पांच, वो कौन कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया और इजिप्ट। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाड और सूडान की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। यदि आप मैप में देखोगे ना, चाड और सूडान बिल्कुल टच होते दिखाई देंगे, लेकिन वो बचे रहते हैं, थोड़े से टच नहीं होते, बचे रहते हैं। एशिया के देशों का भी पता होना चाहिए, एशिया के कितने देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है बच्चों? एशिया के आपके पांच, कौन कौन से हैं आपके? टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन यदि काला सागर का पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो काला सागर कहां पर स्थित है बच्चों? यूरोप में स्थित एक सागर है, इसकी काला सागर की सीमा कितने देशों से लगती है? उसकी लगती है आपके छह देशों से, कौन कौन आपके? यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और आपका रूस। छह देशों की सीमा काला सागर से लगती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, स्थान शब्द की अगर किसी भी देश के आखिरी में आता है ना बच्चों, तो उसकी सीमा ना काला सागर से नहीं लगती, इस बात का ध्यान रखना। मेरा कहने का मतलब, स्थान आता है ना, स्थान यदि किसी देश के लास्ट में है, उसकी सीमा नहीं लगने की, जैसे कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, ठीक है जी,
तजाकिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, इनकी सीमा नहीं लगती काला सागर से। मर्स सागर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मर्स सागर से क्वेश्चन क्या बनता है, मर्स सागर की सीमा जॉर्डन और इजराइल के बीच एक स्थित सागर है, ये वान झील के बाद ना सबसे अधिक लवणता वाला मर्स सागर ही है, ध्यान रखना है आपको। वान झील में लवणता लगभग 330% होती है, जबकि मर्स सागर में कितनी होती है आपकी, लगभग 238% लवणता आपकी होती है। जब लवणता का क्वेश्चन आया तो एक्स्ट्रा तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। सागरीय जल की लवणता में ना सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सागरीय लवणता में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य कारण क्या होता है स्रोत बच्चों, भूमि आपका होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। कैस्पियन सागर से ये आपका सबसे खारे पानी की झील है, 5 देशों से इसकी सीमा लगती है, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये है आपके कैस्पियन सागर से लगने वाले देश, इतना आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 20, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रप्रभा आपका कहां पर जी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आवर सारणी का पहला तत्व कौन सा है, 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, हाइड्रोजन। आवर सारणी से क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस वाले में 100% आना ही आना, कवर कर लीजिएगा अभी से। क्वेश्चन नंबर 23, देश का पहला वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में किया गया था, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, ठीक है जी, या स्पेस सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है आपका, ये भी आपका बेंगलोर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, म्यूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, म्यूर सिंहासन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेबादल खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर आपका 110 में वर्णन है। बच्चों आपके राइट आंसर कितने हुए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, और यदि क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।